हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, आज वीडियो की शुरुआत ये सुंदर से कोचिया के साथ करूँगी। और आज मैं आपको अपने कोचिया की ग्रोथ भी दिखाऊँगी और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी कि जैसे ही समर आता है तो मेरे मन में तो बस कोचिया ही घूमने लगता है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है और ये समर का राजा होता है। और जैसे ही समर आना चालू होता है और ये मुझे लगता है कि मैं कोचिया कब ले लूँ। तो ये कोचिया प्लांट है, ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जून जुलाई में अपना सीड बनाने लगेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीड आते हैं। तो आप इनको सीड से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सीड नहीं मिल रहे हैं तो आप ये नर्सरी में जाके ये 20 रुपये का या 15 रुपये का प्लांट मिल जाता है दोस्तों, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये प्लांट आप जैसे ही फरवरी में ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्लांट को हमेशा आप थोड़ा सा, ये छोटे से छोटे पॉट में भी चलता है और बड़े से बड़े पॉट में भी चलता है। तो मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगाया है और ये देखिए इसकी ग्रोथ। तो इसको सबसे पहले हमें एक वेल्ड्रेन सॉइल बनानी होगी। जब हम इसको लाते हैं तो ये प्लांट बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको छोटे ही गमले में लगाएं। तो आपको इसको मिट्टी हमेशा वेल्ड्रेन देना है, एक पार्ट मिट्टी, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट, या फिर आप इसमें कोई भी जो कंपोस्ट हो आप मिला दीजिए और नीम खली डाल के एक बहुत ही वेल्ड्रेन सॉइल। वेल्ड्रेन सॉइल मतलब पानी आपका गमले में रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह आप इसको करें। और ये देखिए कितना बूसी है। तो ये अपना प्रकृति ने इसको एक ऐसा रूप दिया है कि ये अपना गोल शेप अपने आप ही ले लेता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये शेप मेंटेन लेके ही नीचे से ही चलता है, मैंने इसको कोई शेप नहीं दिया है। हाँ, आप चाहो तो इनकी पिंचिंग करते रहिए आप समय समय पर। तो इनकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, आप पिंचिंग करेंगे तो ये और अच्छा से बुशी हो जाएगा। तो आपको ऊपर की जो टिप है इनको तोड़ना है। आप इनको जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसकी ऊपर की टिप को आप तोड़ते रहिए। जब आप टिप तोड़ेंगे तो यहाँ पे दो दो नखने, दो दो सूट्स आएंगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से ये बूसी बन जाता है। दोस्तों इसको सन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सन लविंग प्लांट है। तो ये जैसे कि पता ही है कि गर्मियों में लगता है, तो इस प्लांट को आप 4 या 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। अगर आप इसको धूप में नहीं रखते हैं तो ये लैगी सा लंबा सा हो जाता है। तो आप इसको अगर धूप देंगे तो ये अपना शेप मेंटेन रखेगा। तो इसको, ये सन की बात हो गई, आप इसकी खाद की बात करती हूँ। तो दोस्तों इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने अभी तक इसमें कोई भी खाद नहीं डाली है। तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको डाल सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो आप चाहो तो इसकी मल्चिंग ज़रूर करिएगा। गर्मियों में इसकी मल्चिंग से क्या होता है, इसका पानी जल्दी नहीं उड़ेगा, तो इसको मल्चिंग करके रखना चाहिए। मल्चिंग या आप सूखी ड्राई लीप से कर सकते हैं या फिर आप कोकोपीट से कर सकते हैं। तो मल्चिंग करने से आपको दोनों, और इसको पानी बहुत पसंद है, पर चिपचिप मिट्टी ना हो जाए, वेल्ड्रेन सॉइल रखिएगा। तो इसको दोनों टाइम वाटरिंग कीजिएगा। और मैं तो इसको सावर बहुत करती हूँ, सावर करने से ये प्लांट खिलखिला के उठता है। तो आप शाम को या मॉर्निंग में इसको सावर करिए, फुब्बारा से इसकी पत्तियों को वॉश कर दीजिए। तो इस समय मेरे कितने भी फूल हो जाएं, पर ये जो आँखों को सुकून देने वाला प्लांट है
बहुत अच्छा है। और ज़्यादा धूप में रखने से इसकी ऊपर की पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो आप ये नहीं कि आप मतलब 44 डिग्री पर भी इसको 8-10 घंटे की धूप दें, तो इसको अगर जब 40-45 डिग्री होती है तो इसको कम से कम 3 घंटे की सन को प्रोवाइड करें। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये छोटी सी झलक मेरे बाहर की गार्डन की है, तो मैं इसको बाहर ही रखे हूँ। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ध्यान ज़रूर रखना। बाय बाय।